हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सदिशों का व्यवकलन या घटाव। सदिशों का जोड़ना या घटाना सामान्य बीजगणित के नियमों से नहीं हो सकता, तो हर बार की तरह नोटबुक और पेन तैयार रखें, साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाएं और वीडियो के बीच में आपको मिलेंगे कुछ चेक पॉइंट, वो भी आपको खुद हल करने हैं। इन सब के उत्तर आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। आइए पढ़ते हैं सदिशों का व्यवकलन। अगर आपको सदिशों का संयोजन समझ में आ गया तो सदिशों का व्यवकलन आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास दो सदिश हैं, ए सदिश एवं बी सदिश। इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण है थीटा। ए सदिश में बी सदिश कैसे जोड़ते हैं ये हम पहले देख चुके हैं। अब ए सदिश में से बी सदिश को घटाने के लिए वास्तव में आप ए सदिश में संयोजन करते हैं माइनस बी सदिश का, यानी कि काम संयोजन जैसा ही करना है, बस इस बार ए सदिश के साथ आपको माइनस बी सदिश को जोड़ना है। कैसे करते हैं ये गणना, आइए बोर्ड पे देखें। जैसे आपके पास ए सदिश यहाँ कहीं मान लिया आपने, इसी चित्र को मैं फिर से बना रहा हूँ। ए सदिश यहाँ था और जो बी सदिश था वो यहाँ कहीं ऊपर था। ए सदिश और बी सदिश के मध्य का जो कोण था वो था थीटा। अब बी सदिश की बजाय हमें काम में लेना है माइनस बी सदिश। माइनस बी सदिश का मतलब परिमाण समान होगा और दिशा विपरीत होगी। तो माइनस बी सदिश मान लीजिए आपने यहां कहीं दिखाया, ठीक ये बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ए सदिश में जोड़ा जाना है माइनस बी, तो हम काम में लेंगे सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। अगर ये ए सदिश था तो आप ए सदिश के सिर पे इस माइनस बी सदिश की पूंछ को ले जाएं। क्या माइनस बी सदिश को समांतर विस्थापित कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस बी सदिश जो यहाँ था इसको आप समांतर विस्थापित करके यहाँ कहीं ले आए, ये है माइनस बी सदिश। यदि ए सदिश के सिर पे माइनस बी सदिश की पूंछ आ गई तो आप इन दोनों का परिणामी सदिश संयोजन से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सदिश संयोजन से परिणामी कैसे प्राप्त करते हैं, ए के पूंछ से आपको जाना होगा इस माइनस बी के सर तक, और ये जो परिणामी आएगा ये परिणाम में आप लिखेंगे ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश, या इसी को आप लिख सकते हैं ए सदिश माइनस बी सदिश। तो सदिश संयोजन से ही सदिशों का व्यवकलन आसानी से हल किया जा सकता है। अच्छा, अब ये परिणामी की दिशा तो आपको पता चल गई, नीली वाली दिशा में परिणामी आएगा, इस रेखा की आवश्यकता है नहीं, तो आप इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं। इस परिणामी का परिमाण कितना होगा, परिमाण के लिए सूत्र यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ए सदिश माइनस बी सदिश का जो परिणामी सदिश बना उसका परिमाण कितना होगा, तो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। इन दोनों सदिशों के मध्य जो यहाँ कोण था ए और माइनस बी के बीच में, वो कोण कितना था, 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिए ए सदिश और माइनस बी सदिश के बीच में ये कोण था 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा आपके पास बचेगा, और ये वो सूत्र है जो आपको याद रखना है। ए सदिश माइनस बी सदिश का अगर आपसे कोई परिणामी पूछ ले, उसका परिमाण पूछ ले, तो आप दोनों बातें हल कर सकते हैं। परिणामी सदिश की दिशा यहाँ आएगी और परिमाण ये रहा होगा, जहाँ थीटा कौन सा कोण है, सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सदिश ए और सदिश बी के मध्य का कोण है थीटा। ये माइनस चिन्ह कैसे आया, ये भी आपको याद ही होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको जब आप हल करेंगे तो उसका उत्तर आता है माइनस कॉस थीटा। आप यहां तक लिखें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें, यदि मॉड ए माइनस बी बराबर मॉड ए प्लस बी हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। आप इसको चाहें तो हल करके देख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी इसका क्या सूत्र है, रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, और मॉड ए प्लस बी का सूत्र क्या था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा इन दोनों ही सूत्रों में ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण है, बस फर्क इतना सा आता है मॉड ए माइनस बी जब आप हल करते हैं तो यहाँ एक माइनस चिन्ह आता है और मॉड ए प्लस बी में सारे ही चिन्ह यहाँ प्लस है। आप यहाँ से वर्ग करके इस वर्गमूल को हटा सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ निरस्त हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा जीरो इज इक्वल टू फोर ए बी कॉस थीटा। अब ये अशून्य है, परिमाण ए भी अशून्य है और परिमाण बी भी अशून्य है, तो फिर जो शून्य राशि होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉस थीटा। जीरो बराबर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान ही शून्य आएगा। तो अगर आप किसी प्रश्न में ऐसा पाएं मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, तो आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं कि वहाँ दोनों सदिशों के मध्य जो कोण रहा होगा वो रहा होगा 90 डिग्री। यहाँ तक लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं सदिशों के व्यवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम है सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता, अर्थात ए सदिश में से बी सदिश को घटाएं या बी सदिश में से ए सदिश को घटाएं तो उनका परिणामी समान नहीं आएगा, जबकि सदिश संयोजन में ए सदिश में बी को जोड़ें या बी सदिश में ए को जोड़ें उत्तर समान आया करता था। तो यहाँ ये कुछ गुणधर्मों का पालन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा उसको आइए देखते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास ए सदिश इस दिशा में और बी सदिश है इस दिशा में, इन दोनों के मध्य का कोण है थीटा। तो सबसे पहले मैं हल कर रहा हूँ ए सदिश माइनस बी सदिश, ये रहा ए सदिश, माइनस बी सदिश किस दिशा में होगा, इसकी विपरीत दिशा में, तो ये बना माइनस बी सदिश, ठीक। और इनका लेना है परिणामी, तो इस माइनस बी सदिश को मैं यहाँ प्रतिस्थापित कर देता हूँ, विस्थापित कर देता हूँ। ये जो नीला वाला सदिश है ये निरूपित करेगा हमारे लिए ए सदिश माइनस बी सदिश को, ठीक बात। अब बी सदिश माइनस ए सदिश भी हल करके देख लेते हैं। बी सदिश आपको इस दिशा में कहीं दे रखा था, ये रहा बी सदिश, और माइनस ए सदिश का मतलब ये उल्टी दिशा, ये रहा माइनस ए सदिश। इनका परिणामी आप जानते हैं कि इनके बीच में कहीं आएगा, यहां कहीं इनका परिणामी बनेगा, ये बनेगा बी सदिश माइनस ए सदिश। आप खुद देख सकते हैं कि ए सदिश माइनस बी सदिश एवं बी सदिश माइनस ए सदिश क्या ये समान दिशाओं में है, नहीं। ए सदिश माइनस बी सदिश और बी सदिश माइनस ए सदिश ये समान नहीं होंगे, ये भिन्न भिन्न सदिश होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सदिशों का व्यवकलन साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ए सदिश में से बी सदिश घटाएं और उस परिणामी में से सी सदिश घटाएं, और अगली बार आप ऐसा करें बी सदिश में से सी सदिश घटाएं और एक परिणामी प्राप्त कर लें और ए सदिश में से वो परिणामी घटाएं, तो ये दोनों चीज़ें समान नहीं होंगी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। अगर आपको ये समझ में आया तो ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, यदि ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण के तुल्य हो तो ए सदिश माइनस बी सदिश का जो परिणामी सदिश बनेगा उसका जो परिमाण आएगा वो दिया जाएगा 2a sin थीटा बाय 2 से या 2b sin थीटा बाय 2 से। यहाँ थीटा कौन सा कौन है, थीटा बराबर ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण, ये आपको याद रखना है। इसको मैं सिद्ध भी कर देता हूँ, जैसे ए सदिश माइनस बी सदिश, आपको इसका अंतिम सूत्र याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ था। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी का परिमाण समान है, तो जहाँ बी है उसकी जगह अपन रख देते हैं ए, इस वाले बी की जगह भी रख देते हैं ए, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ बना टू ए स्क्वायर, यहाँ भी बना टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, इस टू ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लें
उभयनिष्ठ मान लिया 2a² तो यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा। ये 1 माइनस cos थीटा कहीं त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो त्रिकोणमिति वाला वीडियो ध्यान से देखा हो तो वहाँ बताया गया है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, बताएं क्या होगा, इसको लिखा जाएगा 2 sin² θ/2। अगर आपको ये मान याद नहीं है तो इस प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति का एक वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा। ये मान यहाँ प्रतिस्थापित कर दें और फिर आप चीज़ों को हल करें तो अंतिम उत्तर आएगा 2a sin θ/2। और चूंकि हम बोल रहे थे कि a और b इनका परिमाण समान है तो a की जगह आप b भी रख सकते हैं, यानी कि 2b sin θ/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखिए इसको यहाँ तक, फिर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी हमें लिखने हैं। ये रहा अगला महत्वपूर्ण बिंदु, यदि दो एकांक सदिशों के व्यवकलन या घटाव से आपको पुनः एक एकांक सदिश प्राप्त होता है तो दिए गए एकांक सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री रहा होगा। या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दो एकांक सदिशों या इकाई सदिशों के मध्य का कोण यदि 60 डिग्री हो तो उनके घटाव या व्यवकलन से भी आपको एकांक सदिश ही प्राप्त होगा। इसको सिद्ध करके भी समझ लेते हैं। एकांक सदिश आपने मान लिया a कैप और दूसरा आपने मान लिया b कैप, इन दोनों का आपने कर दिया व्यवकलन और इनके व्यवकलन से आपको एक और एकांक सदिश प्राप्त हो रहा है, तो a कैप माइनस b कैप इससे आपको कोई परिणाम ही प्राप्त हुआ और वो भी एकांक सदिश है, मान लिया c कैप। तो ये नियम कहता है कि सदिशों के मध्य का कोण 60 डिग्री रहा होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। मान लीजिए आप दोनों तरफ परिमाण ले लें, ठीक, इसका मान आप कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कि मॉड a माइनस b बराबर लिखा जाता था रूट ऑफ a² + b² - 2ab cos थीटा। इसमें ये है a सदिश का परिमाण, ये है b सदिश का परिमाण। अब चूंकि यहां तो आप जो सदिश काम में ले रहे हैं वो एकांक सदिश है, एकांक सदिश होने का मतलब आप समझते हैं कि मॉड a कैप ये तो 1 आएगा, मॉड b कैप भी 1 है, इसी प्रकार मॉड c कैप इसका भी मान 1 ही है। तो गणना आसान है, मॉड a कैप माइनस b कैप को मैं इस नियम के अनुसार हल कर रहा हूं, पहले सदिश के परिमाण का वर्ग, तो सदिश का परिमाण तो इकाई है यानी कि 1² दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग यानी कि ये भी एक आ जाएगा, -2 × 1 × 1 cos थीटा, थीटा भी अज्ञात है, बराबर मॉड सी कैप, उत्तर भी एकांक सदिश आया था यानी कि उसका भी परिमाण एक ही आएगा। ठीक, दोनों तरफ आप वर्ग करके इसको हल कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां आपके पास आया 2 - 2 cos θ = 1। ये बात सबके लिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आप 2 को कॉमन ले लें, 2 1 - cos θ = 1, 1 - cos θ = आप लिख सकते हैं, इस 2 को आप वहाँ भेज दें तो 1/2। ये गणना और हल की जा सकती है आगे, इस 1/2 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, cos थीटा को वहाँ भेज रहा हूँ, तो 1 - 1/2 = cos θ, यानी कि cos थीटा का मान आ गया 1/2। cos थीटा यदि 1/2 रहा हो तो इसका मतलब थीटा का मान होना चाहिए था 60 डिग्री, यही तो बात यहाँ लिखी गई है। ठीक, सरल सा डेरिवेशन है, इसी चीज़ को अलग शब्दों में लिखना चाहें तो इन पंक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ सवालों में आप सीधे इस बिंदु का उपयोग कर पाएंगे। यहां तक आप लिखें, फिर हम लेंगे कुछ बेहतरीन प्रश्न। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। किसी एक बिंदु पर दो समान परिमाण के बल चित्रानुसार कार्यरत है और हमें ज्ञात करना है इन दोनों बलों के व्यवकलन के परिणामी सदिश का परिमाण, यानी कि मॉड f1 - f2। तो ये तो सरल सा प्रश्न है, आप इसका हल
आसानी से कर सकते हैं अगर आपको सूत्र याद हो। मॉड एफ वन माइनस एफ टू अगर आपसे पूछा जाए तो उसका सूत्र होगा रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। सूत्र तो सबको याद होगा, बस अब तो मान रखने हैं। एफ वन की जगह जो परिमाण है वो आपको पता है 5 न्यूटन, एफ टू की जगह भी आपको परिमाण रखना है 5 न्यूटन, माइनस टू इंटू फाइव इंटू फाइव कॉस 60 डिग्री। ये थीटा कौन सा कौन था, सदिश एफ वन व एफ टू के मध्य कौन। इस गणना को फटाफट हल कीजिए। ये है 25 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 25 इंटू कॉस 60 का मान आता है 1/2, तो ये 2 से 2 निरस्त हो जाएगा, तो आपके पास बचा रूट 25 जिसका उत्तर आ गया 5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ सब जगह न्यूटन जो इकाई है वो बाहर, चूंकि अपन बल के बारे में बात कर रहे हैं तो इकाई आप लिखेंगे न्यूटन। आई बात समझ में, सरल सी गणना है, लिखें इसे आप। अच्छा, इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछता कि आप बताएं मॉड एफ वन प्लस एफ टू का मान, तो आपका उत्तर कितना आता, फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मॉड एफ वन प्लस एफ टू का मान इसी सवाल के लिए, फिर से सूत्र ही लगाना है, मैं बोर्ड पे हल कर देता हूं ताकि आप तुलना कर सकें। मॉड एफ वन प्लस एफ टू बराबर, इसका सूत्र भी आप जानते हैं, यह आएगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। फिर से सारे मान रखने हैं, 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। बिल्कुल पिछली बार की तरह आप गणना कर सकते हैं, तो ये उत्तर आएगा रूट 25 प्लस 25 प्लस 25, क्योंकि 2 और कॉस 60 ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो आपके पास उत्तर आएगा रूट 75 न्यूटन। आप न्यूटन इकाई यहाँ हर जगह लिख सकते हैं, बल का परिमाण अगर आप लिख रहे हैं तो उसके साथ उसका मात्रक लिखा जाएगा न्यूटन। तो देखिए, अगर इन दोनों सदिशों का संयोजन किया जाता, इनको जोड़ा जाता, तो इनका परिणामी आपके पास ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इनका घटाव करें तो इनका परिणामी कम आएगा। इसको आप और हल करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 5√3 न्यूटन। आ गई बात समझ में, लिखें यहाँ तक, फिर लेंगे अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। हो सकता है कुछ बच्चे प्रश्न देख के उत्तर बता दें, अगर आपने सारे महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से देखे हो तो आप इसका उत्तर डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिना गणना किए हुए। वैसे मैं यहाँ पे गणना कर देता हूँ, मॉड ए कैप प्लस बी कैप इसका मान कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। मॉड ए कैप माइनस बी कैप का मान आएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आप दोनों तरफ वर्क करें और इसको हल कर लें, तो यहाँ आपके पास बच रहा है 2 प्लस 2 कॉस थीटा और इधर रहा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ से 2 को निरस्त किया जा सकता है तो आपके पास बचा 4 cos θ = 0। ठीक है, ये बात, 4 तो 0 है नहीं, इसका मतलब cos थीटा को शून्य होना पड़ेगा। यदि cos थीटा शून्य है तो थीटा का मान रहा होगा 90 डिग्री। ये उत्तर तो हमने पहले भी देख रखा है, लिखिए इसे यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न लेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार खुद हल करने की कोशिश करें। आसान सा प्रश्न है, यदि आपको सूत्र याद हो तो उत्तर आसानी से लाए जा सकते हैं। मैं इसको बोर्ड पे हल कर रहा हूं।
सबसे पहले हम सारे आवश्यक मान एक तरफ लिख लेते हैं। मॉड ए कैप यदि कोई आपसे पूछे तो वो आएगा एक, इसी तरह मॉड बी कैप भी आएगा एक, क्योंकि ए कैप और बी कैप दोनों एकांक सदिश हैं, इसलिए इनका परिमाण तो एक आएगा। प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सूत्र तो सारे याद होने चाहिए। अब तो गणना आसानी से कर सकते हैं। मॉड ए कैप माइनस बी कैप का मान इस सूत्र से लाया जा सकता है। पहला जो परिमाण है उसकी जगह रखा जाएगा एक, दूसरे परिमाण की जगह भी रखा जाएगा एक, क्योंकि एकांक सदिशों की बात चल रही है। एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर माइनस दो इंटू एक कॉस थीटा पता नहीं है बराबर रूट दो। इसको थोड़ा और हल करते हैं तो ये रूट दो माइनस दो कॉस थीटा बराबर रूट दो। इसको लिख सकते हैं दो माइनस दो कॉस थीटा बराबर दो। यहाँ हमने दोनों तरफ वर्ग किया, इस दो से ये दो निरस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा बराबर शून्य आएगा। इसका मतलब है कि थीटा बराबर 90 डिग्री रहा होगा। अब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो आपको इस राशि का मान ज्ञात करना है, मॉड ए कैप प्लस रूट थ्री बी कैप। ए कैप इसका परिमाण आएगा एक, प्लस इस राशि का परिमाण आएगा रूट तीन इंटू एक। बी कैप सदिश का परिमाण तो इकाई है पर यहां पे एक एक्स्ट्रा रूट तीन भी पड़ा है, प्लस दो इंटू एक इंटू रूट तीन कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री शून्य होता है। इसको थोड़ा और हल कर लें, अंतिम उत्तर आ गया दो। सरल सा प्रश्न है, अगर सूत्र याद हो तो गणना आसानी से की जा सकती है। लिखें इसको, फिर लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, ये भी आसान सा प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद हल करने की कोशिश करें और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इसे बोर्ड पे हल कर रहा हूँ। माना हमारे पास कोई एकांक सदिश ए कैप व बी कैप है। इसका आशय क्या हुआ, मॉड ए कैप बराबर एक है और इसी प्रकार मॉड बी कैप भी एक के तुल्य है। इनका संयोजन करना है और उससे परिणामी सदिश प्राप्त करना है और उसका परिमाण रूट दो है। तो सबसे पहले इनका संयोजन किया, ए कैप प्लस बी कैप, इसका कोई परिणामी सदिश प्राप्त हो जाएगा। उसका परिमाण लेने का आशय है इस प्रकार से लिखना, और ये गणना करना तो सबके लिए आसान है। तो मॉड ए कैप प्लस बी कैप को हल करना हो तो आप लिखेंगे एक का वर्ग प्लस दो इंटू एक कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे अज्ञात है, ये मान आपको दे रखा है रूट दो, और इधर आपके पास बचा दो प्लस दो कॉस थीटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर दो बराबर दो प्लस दो कॉस थीटा, तो यहाँ दो हो गया है निरस्त, यानी कि कॉस थीटा का मान ही शून्य होना चाहिए। थीटा बराबर 90 डिग्री रहा होगा, आपको कोण का मान प्राप्त हो गया। यदि कोण का मान प्राप्त हो गया तो अब आपको इन दोनों एकांक सदिशों के व्यवकलन से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। ये भी आसान सी गणना है, इसको यहाँ हल कर लेते हैं। मॉड ए कैप माइनस बी कैप हल करने के लिए आपको इस तरह के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसका उत्तर आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अब हल यहाँ लिख लेते हैं, मॉड ए कैप माइनस बी कैप बराबर रूट, पहले सदिश का परिमाण एक है, दोनों ही सदिश एकांक सदिश है तो परिमाण एक ही रहा होगा, प्लस एक स्क्वायर माइनस दो इंटू एक कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हम जानते हैं शून्य होता है, तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, तो आपके पास उत्तर कितना बचा रूट दो। लिखें इसको यहाँ तक, फिर आगे अगला प्रश्न लेते हैं। वैसे ये थीटा प्राप्त होने के बाद कुछ समझदार बच्चे डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो मॉड ए कैप प्लस बी कैप और मॉड ए कैप माइनस बी कैप, क्या उनका मान समान आता था? याद करें महत्वपूर्ण बिंदु,
तो इसका मतलब ये अगर रूट दो था तो ये भी रूट दो ही आना था, और गणना से भी वही प्राप्त हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपको याद हो तो आपका समय बच जाएगा। ये रहा एक और प्रश्न आपके सामने, यदि दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत हों तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण प्राप्त हो रहा है 10 न्यूटन, यदि दोनों बल लंबवत कार्यरत हों तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण होता है 50 न्यूटन। तो आपको दोनों सदिशों के परिमाण ज्ञात करने हैं। बहुत सरल सा प्रश्न है और कुछ समझदार बच्चे इसको बिना पेन चलाए भी हल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं ये और ये देख के। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, एक बार आप वीडियो को पॉज करें, डायरेक्ट सोच के उत्तर लिखने की कोशिश करें बिना किसी गणना के। चलिए मैं इसको बोर्ड पे हल कर रहा हूं। जो दोनों बल आने वाले हैं F1 और F2, वो आने वाले हैं 40 न्यूटन एवं 30 न्यूटन। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सोच भी लिया हो। देखिए कैसे ये उत्तर आएगा। माना दो बल क्रमशः F1 सदिश एवं F2 सदिश है, ठीक है ये बात। अब जो F1 सदिश है वो इधर कहीं हमने मान लिया और जो F2 सदिश है वो यहाँ कहीं मान लिया, तो ये विपरीत दिशा में हो गए। इस परिस्थिति में जो परिणामी सदिश आता है वो कितना बनेगा, F1 - F2, और उसका परिमाण आपको दे रखा है 10 न्यूटन। अच्छा, अगली परिस्थिति में अगर ये दोनों सदिश लंबवत हों तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण आप कैसे लिखते हैं, √F1² + F2² + 2F1F2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री हो जाता है 0, तो इतना ही बचता है। ये किसके तुल्य है, 50 न्यूटन। वास्तव में जैसे ही मैंने ये देखा कि √F1² + F2² 50 न्यूटन के तुल्य है, तो मुझे याद आया पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आप मान सोच के देखिए, वैसे तो आप इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं, हल करने पर भी ये उत्तर प्राप्त होंगे। अगर आप ऐसा लिखें 40² + 30² तो 40² हो गया 1600, 30² हो गया 900, 1600 900, 2500 और ऊपर है वर्गमूल, तो 2500 का वर्गमूल आ जाएगा 50। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट सोचा। जब भी ये इस तरह की संख्याएं आपको दिखे तो आपके मन में पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने वाले मान याद आने चाहिए। 50 दिखते ही मेरे मन में मान याद आया 30, 40 और 50। अच्छा, अब यदि 40 न्यूटन और 30 न्यूटन के बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उनका परिमाण 10 न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन और 30 न्यूटन के बल लंबवत दिशाओं में कार्यरत हो तो उनका परिमाण 50 न्यूटन आ जाएगा। वैसे आप इसको हल भी कर सकते हैं, ये हल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ चूंकि आसान सी गणना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर आपको ये उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। दो ही समीकरण हैं और दो ही अज्ञात राशियां हैं, तो साधारण से गणित है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लिखें इसको यहां तक और फिर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आइए अब देखें एक और बेहतरीन प्रश्न। चित्रानुसार एक कण नियत चाल v से किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील है। नियत चाल v का क्या आशय हुआ, इस बिंदु पर भी चाल v है, इस बिंदु पर भी चाल v है, वृत्त के हर एक बिंदु पर कण की चाल v है। तो आपको इसके वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण ज्ञात करना है। बढ़िया प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद हल करने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपसे हल हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आप वीडियो को प्ले करके इसका उत्तर देख सकते हैं। मैं हल बोर्ड पे करने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन इस चीज को समझने की कोशिश करें, परिवर्तन। भौतिक विज्ञान में जब कभी भी आप ये शब्द देखें परिवर्तन, तो उसका मतलब होगा अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। आपको और भी कई अध्यायों में आप इस तरह की गणनाएं देखेंगे जहां आपको राशियों में परिवर्तन की गणना करनी होगी। तो हर बार याद रखें अंतिम मान में से किसको घटाएंगे, प्रारंभिक मान को। तो इसकी गणना यहां शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है वेग सदिश में परिवर्तन। वेग सदिश में परिवर्तन का आशय यह होगा कि आप वेग के अंतिम मान में से वेग के प्रारंभिक मान को घटा दें, ठीक है ये बात। अच्छा, आपको तो ये हल नहीं करना, आपको हल करना है वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण।
तो वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण लेने के लिए आपको इसका लेना पड़ेगा मॉडुलस, वो मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं। और इस वेग में परिवर्तन को गणितीय रूप में ऐसा भी लिखा जाता है, डेल वी, ठीक है। फिर इसका लिया मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वी अंतिम माइनस वी प्रारंभिक। यहां से आपको क्या मिलने वाला है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये राशि क्या है, तो ये है वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण, ठीक है। ये बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र उपलब्ध है, आपको याद है मॉड ए सदिश माइनस बी सदिश कैसे हल किया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, बस सूत्र में मान रखते ही आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण हम यहां हल कर रहे हैं, रूट ऑफ अंतिम वेग का परिमाण, अंतिम वेग का परिमाण भी v है और प्रारंभिक वेग का परिमाण भी v है, तो इस गणना में मान रखे जाएंगे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, माइनस टू वी वी कॉस थीटा, यहां बनेगा टू वी स्क्वायर और ये भी है टू वी स्क्वायर, तो मैं टू वी स्क्वायर को यहीं कॉमन ले लेता हूं, एक टू वी स्क्वायर ये वाला था और एक टू वी स्क्वायर यहां बनेगा, तो वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, वन माइनस कॉस थीटा आपको याद आ रहा होगा त्रिकोणमिति से, बोलें क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा को, मेरे साथ बोलें, वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अगर किसी को ये मान याद नहीं है तो इस प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति का एक वीडियो दे रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये मान यहां प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम लोग, तो रूट टू वी स्क्वायर और वन माइनस कॉस थीटा की जगह आप ले आएंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब ये टू और टू चार और यहां पे वर्गमूल है, तो इसको हल करने से बचेगा दो, वी स्क्वायर और वर्गमूल, तो यहां बचेगा वी साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो यहां बचेगा साइन थीटा बाय टू। बहुत ही शानदार उत्तर आपको मिल गया, वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण। अच्छा, इस सूत्र को वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कण एक चक्कर पूरा करके यहीं आ जाता है, वापस पुनः इस स्थिति पे आ जाता है, तो क्या इसके वेग सदिश में कोई परिवर्तन होगा, कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ या ना। कण एक चक्कर पूरा करके पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया, तो इसके वेग सदिश में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, पहले भी वेग सदिश ऐसा ही था और चक्कर पूरा होने के बाद भी वेग सदिश ऐसा ही रहेगा, यानी कि उस केस में इस गणना का उत्तर कितना आना चाहिए, शून्य, और वो आ भी रहा है। वेग सदिश में परिवर्तन ही शून्य है तो उसका परिमाण भी शून्य आएगा। आप थीटा रख के देखें, एक पूरा चक्कर होने का मतलब है कोण थीटा बराबर हो गया 360 डिग्री, यहां रखें 360 डिग्री, 360 डिग्री बटा दो बना 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान कितना आता है, जीरो, तो वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण भी आ जाएगा जीरो। आइए बात समझ में, कई बार आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे, उनमें बोलेंगे कि कण 30 डिग्री घूम गया है और आप बताएं इसके वेग सदिश में परिवर्तन का परिमाण, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहां 30 डिग्री रखें, कण की चाल रखें और गणना करके इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार का अगर प्रश्न दे रखा हो तो आप इस उत्तर को याद ही कर लें, बढ़िया रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रहा एक और बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दो एकांक सदिशों के संयोजन से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण इकाई हो यानी कि एक हो, तो इन एकांक सदिशों के घटाव या व्यवकलन से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। आसान सा प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद हल करने की कोशिश करें, बाद में अपना उत्तर बोर्ड से मैच कर सकते हैं। मैं इस प्रश्न को यहाँ बोर्ड पे हल करने जा रहा हूँ। माना एकांक सदिश ए कैप व बी कैप है। एकांक सदिश होने का मतलब क्या है कि ए कैप का परिमाण और बी कैप का परिमाण इकाई रहा होगा, एक रहा होगा। अब इन दोनों का आपको करना है संयोजन, तो ए कैप और बी कैप का ये हो गया संयोजन, उस संयोजन का लेना है
परिणामी सदिश, ये परिणामी सदिश, और उसका भी लेना है परिमाण। परिमाण लेने का मतलब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे मॉड। आई बात समझ में? अब इसको हल करने के लिए आप सूत्र जानते ही हैं, पहले सदिश का परिमाण एक, दूसरे का भी परिमाण एक, प्लस दो इंटू एक इंटू एक कॉस थीटा, और इसका परिमाण आपको दे रखा है कि इकाई प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं दो प्लस दो कॉस थीटा। कौन सा सूत्र काम में लिया आपको याद आ रहा होगा? हमने ये वाला सूत्र काम में लिया था गणना करने के लिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए यानी कि पहले सदिश का परिमाण वो एक है, दूसरे सदिश का परिमाण वो भी एक है। चलिए इस गणना को हल करते हैं, दोनों तरफ वर्क करके इसको हल कर लीजिए। एक बराबर दो प्लस दो, तो आप इसको लिख सकते हैं एक माइनस दो बराबर दो कॉस थीटा, माइनस एक बराबर दो कॉस थीटा, माइनस एक बट्टा दो बराबर कॉस थीटा। यानी कि थीटा का मान कितना आएगा, उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट, 120 डिग्री। थीटा का मान आएगा 120 डिग्री। यदि थीटा का मान 120 डिग्री है तो आपको हल करना है इन एकांक सदिशों का व्यवकलन। एकांक सदिशों का व्यवकलन मतलब ए कैप माइनस बी कैप, उससे कोई परिणामी सदिश प्राप्त होगा और उसका भी परिमाण लेना है। उसका परिमाण लेने का मतलब आप ये वाली गणना हल करना चाहते हैं। इस गणना को हल करने का सूत्र भी आपको याद है, ए सदिश माइनस बी सदिश मॉडुलस बराबर लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। और सूत्र में मान रखे जा सकते हैं एक प्लस एक माइनस टू इंटू एक इंटू एक कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का मान आप जानते हैं माइनस एक बटा दो, तो ये मान यहां रख लेते हैं एक प्लस एक माइनस दो इंटू माइनस एक बट्टा दो। को और हल करें तो उत्तर आ रहा है रूट तीन। ठीक है, सरल सा प्रश्न है, लिखें आप इसको यहां तक, फिर आपको मिलेंगे चेक पॉइंट।